हरिद्वार के ज्वालापुर में पुलिस ने 48 घंटे में मर्डर का खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि घर में काम करने वाले एक व्यक्ति ने पहले घर से चोरी की, वहीं जब महिला को पता चल गया तो काम करने वाले ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। तो उसने जो है बचने के लिए महिला को पुल से नदी में धकेल दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पास लोकेशन आ रही थी लास्ट में, जो फोन था और जो संदिग्ध नंबर भी था, इसको देखते हुए हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ई रिक्शा चालक को भी ट्रेस आउट किया। उससे पता चला कि उसने एक बुजुर्ग महिला और एक व्यक्ति को जो है पथरी रोपुल के पास छोड़ा था, और इससे इस घटना में लगा कि कहीं ना कहीं कोई अनहोनी की बात है। और उसमें वसीम नाम के जो व्यक्ति को उस पर पूछताछ के लिए जब इसमें संदिग्धता के आधार पर पूछताछ की गई तो सारा घटनाक्रम खुला कि वह पूर्व में उनके यहाँ पर पुताई का काम कर चुका है और लगातार बीच बीच में काम करता है। कुछ दिन पूर्व उसने इसी काम के बहाने उनके यहाँ से ज्वेलरी को चोरी कर ली थी, जिसका शक सुनीता देवी जी को उनके ऊपर हो गया था, और जिसके बारे में उनका कहना था कि अगर नहीं बताएगा तो पुलिस में शिकायत करेंगे। इस घटना को बचने के लिए उसने एक कहानी रची कि एक्चुअल चोर के बारे में और किसने चुराई आपकी ज्वेलरी, इसको एक बाबा बता सकते हैं और आपको अगर आएंगे तो वहाँ उनसे मिलवा देंगे। उस पर विश्वास करके वो उसके साथ चली गई, और पथरी रो पुल के पास पहुँचने पर उसने उनकी इयररिंग और अंगूठी भी उतरवा ली और नदी में धक्का दे दिया। साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया कि वह डूब जाए, कहीं बाहर ना निकल पाएँ किसी कारणों से। और इसके बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसमें पुरानी ज्वेलरी जो मिली और जो पहन के गई थी वो भी बरामद हो गई है। अभियुक्त ने पूरी घटनाक्रम को इसमें कबूल किया है कि चोरी का इल्जाम, मतलब चोरी से बचने के लिए कहीं वो जेल ना चला जाए, उसने हत्या को अंजाम दिया था।